सो व्यूज, सेक्टर एच का मैप अगर हम देखें तो यहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ पे प्योर हेयर लिखा हुआ है. एग्जैक्टली यहाँ पे इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको जो है कनाल की कटिंग्स मेजॉरिटी नज़र आती हैं, और अगर आप लेफ्ट इस साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे ये तो आपको छोटे प्लॉट्स भी नज़र आते हैं इस साइड पे. ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको जो स्टार्ट में ब्लू वाली बेल्ट नज़र आ रही है बिल्कुल इनिशियल जहाँ पे यूर हेयर लिखा हुआ है, ये आपके पास सी DHA एक्सप्रेसवे पे सी कमर्शियल्स बनते हैं. और ये राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर जहाँ पे रेलवे लाइन लिखा हुआ है इस साइड से आपको रेलवे ट्रैक गुजरता है. रफली अगर नंबर ऑफ प्लॉट देखते हैं तो 500 से 600 प्लॉट्स आपके पास इसके अंदर रफली अवेलेबल होंगे. अब आपको अंदर से हम दिखाते हैं. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे. व्यूअर्स, हम लोग अभी मौजूद हैं DHA 5 में, और आज हम आपको DHA 5 का सेक्टर एच दिखाएंगे, कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे आपको कि सेक्टर एच की क्या कंप्लीट डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट अपडेट्स क्या है वहाँ पे, क्या वहाँ पे घर बने या नहीं बने, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देंगे. तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. तो ये बैरियर के बाद जितना आपको सेक्टर नज़र आ रहा है सारा का सारा आपको सेक्टर एच नज़र आता है. और यहीं से आपके पास एक और रास्ता जो अस्करी हाइट्स 4 है, अस्करी टावर 4 वहाँ पे भी जाता है. तो यहाँ से अब हम एंटर होते हैं सेक्टर एच के अंदर. ये स्ट्रीट नंबर 1 है जहाँ पे हम लोग थे, और अब हम एंटर हो रहे हैं स्ट्रीट नंबर 13 के अंदर. बिल्कुल एंड पे आप देखें आपको अस्करी टावर 4 जो है, जो कि एक इसकी फ्रंट साइड आपके पास जे ब्लॉक में लगती है, और बैक साइड पे जो है आपके पास ये आता है, और एक साइड पे के ब्लॉक बनता है. इंटरल्स अगर यहाँ पे देखें तो आपको स्टार्ट की स्ट्रीट्स में घर बने हुए नज़र आएंगे, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है. आपके पास राइट साइड पे पार्क है जो कि फिलहाल बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर में पार्क भी बनेगा. वाटर टैंक्स और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसलिए लोग अब यहाँ पे जिन लोगों के पास थोड़ा बजट कम है रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू AB, वो फिर इस एरिया को प्रेफर करते हैं कि इस जगह पे बना लिया जाए. लेकिन यहाँ पे भी कुछ आपको लिटिगेशन देखने को मिलती है, जिस तरह यहाँ पे आपको DHA 5 में ये एरिया जो नज़र आ रहा है ये आपके पास लिटिगेशन है. ये आपके पास लेफ्ट में मस्जिद है जिसको जो है एक्सटेंड किया जा रहा है. ये हम डायरेक्ट इस पे कनेक्ट होते हैं सेकेंड एवेन्यू पे. सेकेंड एवेन्यू आपके पास जो है स्ट्रीट 13 के बाद यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एंड हो जाती है, और आगे लिटिगेशन आपके पास स्टार्ट हो जाती है. एच के अंदर आपको वाटर टैंक के साथ यहाँ पे भी घर तो DHA 5 के अंदर बना हुआ, लेकिन उसके साथ स्टिल वो जो लोकेशन है वो अभी भी लिटिगेशन के अंदर है, जिसको DHA ने जो है एक दीवार से कवर कर दिया. ये आपके पास राइट लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 17 आ जाती है, और ये हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आगे फिर आपके पास अस्करी टावर 4 आता है. मेजॉरिटी कटिंग्स आपके पास सेक्टर एच के अंदर भी एक कनाल की ही है. ये स्ट्रीट नंबर 21 है जिसके बाद आपके पास जो है ख़त्म हो जाता है, और आगे आपके पास अस्करी टावर 4 आ जाता है. ये स्ट्रीट नंबर 20 है, आपको स्ट्रीट पूरी नज़र आ रही होगी, एंड पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा स्ट्रीट पोल्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लग चुकी हुई. ये आपके पास जो स्ट्रीट 9 हो गया और वो हो गई, यहाँ पे आपके पास लिटिगेशन आती है अभी भी स्टिल.
अब हम एंटर हुए स्ट्रीट नंबर 18 के अंदर। स्ट्रीट नंबर 18 में आपको घर नजर आते हैं। यहाँ पे आपको आज घर बन रहे हैं। ये राइट लेफ्ट पे हमारे पास आ गया स्ट्रीट नंबर 7 है, और जो कि डेड एंड आइदर वेज, क्योंकि इसके रास्ते की ओपनिंग नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है और घर भी नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ से आपको देख के आइडिया हो जाता है कि सेक्टर एच जो है वो मेनली आपके पास प्लेन है, इसमें एलिवेशन या हाइट नहीं है। पार्क्स आपको अंदर मिल जाते हैं, आपको कमर्शियल अंदर मिल जाता है, जो मेन पे आपके पास सी ब्लॉक के कमर्शियल्स आपके पास मेन पे हैं, या पास और घर यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। लिटिगेशन जिस तरह आपके पास जी ब्लॉक में आपने देखी, उसी तरीके से एच ब्लॉक के अंदर भी लिटिगेशन और नॉट डेवलप एरिया आपको नज़र आएगा। जी हाँ, जिस तरह राइट साइड पर आप देखें, ये आपको हाइट पे घर नज़र आ रहा होगा। सो ये सारे लिटिगेशन ही है, ये लैंड अभी उनके पास नहीं है, ये आपके पास कमर्शियल के स्टेप्स हैं। यहाँ पे आपके पास एक स्कूल आता है अंदर ही सेक्टर एच के अंदर। सो ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपके पास सेक्टर एच की। अगर कोई भी क्यूरी आपकी हो या सेक्टर एच के अंदर आप सेल परचेज करना चाह रहे हो, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप लोग हमसे रابطہ कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।